है राज्यसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस के विधायक कल रायपुर से लौटेंगे वापस। कल दोपहर बाद रायपुर से हरियाणा कांग्रेस के विधायक लौटेंगे वापस। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 10 जून को होनी है वोटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। हरियाणा के तमाम विधायक रायपुर में थे और अब वो रायपुर से वापस हरियाणा लौट सकते हैं, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, हरियाणा कांग्रेस के विधायक कल रायपुर से वापस लौट जाएंगे, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से है। कल दोपहर बाद रायपुर से हरियाणा कांग्रेस के विधायक वापस लौटेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 10 जून को वोटिंग होनी है और उसको लेकर विधायकों की बाड़ेबंदी की खबर भी सामने आई थी, जिसके चलते हरियाणा के तमाम विधायकों को रायपुर लाया गया था और यहां पर इनके साथ एक साथ रहकर तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श के साथ साथ चर्चा हुई थी, क्योंकि आगामी समय में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में विधायकों को तमाम बातों के लिए चर्चा करने के लिए रायपुर लाया गया था। लेकिन अब खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि अब रायपुर से वापस हरियाणा के तमाम विधायक लौट सकते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि कई जगह राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं और तमाम राज्यों में आगामी चुनाव के लिए को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कसना शुरू भी कर दिया है और तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी, रायपुर लाया गया था उन्हें और तमाम बिंदुओं पर आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई थी, विचार मंथन किया गया था और अब ये तमाम विधायक रायपुर से हरियाणा लौट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से ही दमखम भरने लगी है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक रायपुर आए हुए थे, रायपुर के बाद अब वो वापस लौट सकते हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जैसे कि बाड़ेबंदी विधायकों की गई थी और तमाम बिंदु पर चर्चा की गई थी कि आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर बाड़ेबंदी रायपुर में की गई थी तमाम हरियाणा के विधायकों की, अब वापस ऐसी खबर मिल रही कि अब वो वापस लौट सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कल हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक जो रायपुर पहुंचे हुए थे वो आज दिल्ली वापस आते हुए जो है नजर आएंगे। माफ कीजिएगा, दिल्ली या चंडीगढ़ जो है वापस आते हुए जो है नजर आएंगे। कल दोपहर बाद जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो रायपुर से जो है रवाना होते हुए नजर आएंगे और कल सुबह तक ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि क्या तमाम विधायक जो है दिल्ली आएंगे या फिर तमाम विधायक जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। 10 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है होनी है। 27 विधायक जो है रायपुर जो है पहुंचे हुए थे और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है बीच में एक दिन जो है रायपुर पहुंचते हुए नजर आए थे, यानी 28 विधायक जो है रायपुर दौरा कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में दो विधायकों की अगर हम बात करते हैं, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, उनका किस तरीके का रुख रहेगा ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई की हम बात करें, क्योंकि उनकी मुलाकात अभी तक राहुल गांधी से नहीं हो पाई है और उनकी नाराजगी लगातार चलती हुई नजर आ रही थी, तो उनका क्या रुख जो है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में रहने वाला है ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कल दोपहर बाद जो तमाम हरियाणा कांग्रेस के विधायक रायपुर पहुंचे हुए हैं वो आज जो है वापस लौटते हुए जो है नजर आएंगे। तो अब हरियाणा के तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी खत्म होने की कगार पे है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे।